ये टॉप पहन के बाहर निकले, मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप एकदम भूत जैसे दिख रहे हो, सेम टू सेम। मतलब सोचो मेरी बिटिया ऐसा बोल रही है। टॉप बुग्गा वाला हाथ, मम्मी पहले ये चलता था ना बहुत ज्यादा, इसको देख करके ना मम्मी को पुरानी पुरानी हीरोइन याद आ गई। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं इतने धूप में खड़े होकर क्यों बात कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है ना, आज वंशु के पापा को ना कुछ काम पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि आज तुम ही लेकर के आ जाओ वंशु को घर में, स्कूटी लेकर चले जाना, धूप बहुत है, पैदल मत जाना। और एक्सीडेंट के बाद ना मैंने एक बार भी स्कूटी चलाई नहीं है, तो इतना धक 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 हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी फिंगर क्रॉस करके जा रहे हैं स्कूटी चलाने के लिए। इसी स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और यही हाथ टूटा था, जो कि अभी तक दर्द होता है और बहुत दर्द होता है सच में। तो कोई नहीं, भगवान जी को जय करके चलते हैं स्कूल लेने के लिए, क्योंकि बहुत देर से सोच रहे हैं जाए कि ना जाए, पैदल चले जाए। फिर बोला कभी ना कभी तो डर ये भगाना ही पड़ेगा, तो ये डर आज ही भगा लेते हैं। तो चलो फिर पहले वंशु को लेने चलते हैं स्कूल स्कूटी से, चलो। पिछले 2-2.5 साल से मैं इस डर को फेस नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा अंदर डर बैठ गया था कि अब मैं कभी भी स्कूटी नहीं चला पाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फाइनली आज अपने डर को फेस कर रही हूँ मैं और जा रही हूँ भगवान जी का नाम लेके स्कूटी चलाने के लिए। डर इस बात का नहीं कि कुछ हो जाएगा, डर इस बात का था कि कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मतलब इस बात का जो डर था ना वो बहुत बड़ा था, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे स्कूटी चलाना स्टार्ट किया मैंने, और एट लास्ट किक स्टार्ट हो गया, हो ही गया स्कूटी स्टार्ट, और मैं चली गई वंशु के स्कूल वंशु को लेने के लिए, और वंशु को लेकर के आ गए। क्या है ना, मेरी फ्रेंड स्वाति ने ना मुझे कच्चा आम दिया था, बहुत सारे ने थोड़ा सा ही आम दिया था, लेकिन उसका मैंने सोचा अचार बना लेते, लेकिन काटने का ही टेंशन हो रहा था कि काटेंगे कैसे, क्योंकि काटने वाला चाकू हम लोग के पास किसी के पास नहीं था। तो फाइनली सतीश ने बोला मैं काट दूंगा, मैडम आप टेंशन मत लो। तो मैंने हम लोग को मतलब इतना आराम मिला, इतना सुकून मिला ये सुन करके। अब सारे आम अच्छे से कट चुके हैं, बारी है इनको छिलने की। छिलने के बाद हम इससे इसकी गुठली निकालेंगे और इसको अच्छे से धोएंगे। तो मैं और मम्मी बैठ करके इसको छिल रहे हैं, और आम को छिलने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं मम्मी लोग कैसे छिलते होंगे, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आम छिल रही हूँ अचार वाला। मेन क्या होता है ना, इसको धोना, इसको एकदम खलखला करके अच्छे से आपको 2-3 पानी से धोना है, ताकि जो इसका लसलसापन है ना आम का वो अच्छे से निकल जाए और आम बिल्कुल भी साफ हो जाए। आम को अच्छे से धोने के बाद सुखा दिया है मैंने इसे ले जाकर के छत में, क्योंकि इसको छत में कम से कम 2-3 घंटा धूप के अंदर सुखाना पड़ता है, तब सूखने के लिए छोड़ दिया है इसे। ओहो, छत में डाल के आए थे आम सुखाने के लिए, और एक बैग आंधी आ गई तो दौड़ करके गए कि आम उठा लेते हैं, कपड़े उठा लेते हैं, लेकिन आम में पूरा बालू का परत भीज गया था। तभी फिर से आम को धो करके फिर से सुखाना पड़ा है, वो सूख जाएगा उसके बाद ही उसका बनेगा मीठा अचार। वो मैंने बता ही दिया है, मेरे मायके का भी थोड़ा अचार बनने वाला है और मम्मी भी बनाने वाली है अचार। क्या है ना कि जो मम्मी बनाएगी मीठा अचार वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या होता है ना मायके का जो टेस्ट आता है ना अचार में वो गुड़ वाला, तो सोचा कि थोड़ा सा वो भी बना लेते हैं, क्योंकि खाने वाले सिर्फ मम्मी और तो कोई है नहीं, कोई नहीं खाता है यहाँ पे गुड़ का कुछ भी। मम्मी हल्का फुल्का चख लेती है, मेरी बिटिया भी नहीं खाती है बिल्कुल, उसको तो गुड़ कतई पसंद नहीं है, और ये तो खैर खाना ही बहुत कम खाते हैं। धूप इतना यहाँ का मौसम, मैं बैठ के बात, यहाँ का मौसम इतना बेकार हो गया है ना कि कभी एकदम कड़ा धूप, जब हम आम सुखाने के लिए गए थे ना उस समय इतना 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 प्रचंड धूप था कि मतलब हम इतने गोरे दिखते हैं, और पता नहीं आज तो कुछ ज़्यादा ही गोरे दिख रहे, असली वाले गोरे दिख रहे, हम हैं नहीं, कतई भी नहीं है, मतलब मेरा रंग तो पता ही आपको हम कैसे हैं। इतना धूप में गए, हमने आज तो पक्का गए हम, मेरे बाल के कलर के कहीं हम ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मेरा कैमरा मेरे पे बहुत मेहरबान है, ऐसा एकदम गोरा गोरा दिखा रहा है मेरे को। कल अमेजोन से ढेर सारे टॉप्स आए थे, तो कुछ कुछ मैंने कल ही वापस भी लगा दिए बिना ट्राई करके, क्योंकि मेरे को कलर उसका समझ में नहीं आया कि मैंने कुछ और टॉप का कलर ऑर्डर किया था, वो कुछ और आ गया था, ट्राई करके एक भी नहीं देखा है, क्योंकि आदत हो गया है अब आपको भी दिखाने का कि हम क्या ऑर्डर किए हैं, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो फिलहाल बहुत सारे ही पार्सल्स हैं, और हम लोग का कहीं जाने का प्लानिंग हो रहा है, वो भी हम नहीं बताएंगे। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जो कि खिचड़ी अब बन जाएगी अच्छे से तो ही आपको मालूम चलेगा कि मसाला कितना पड़ा है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं।
तो फिलहाल ये है मेरे पार्सल्स और हम जा रहे हैं अब धीरे धीरे ट्राई करने के लिए, लेकिन ये नाइट ड्रेस में अच्छा नहीं लगेगा ट्राई करने में ना, इसीलिए नाइट ड्रेस खोल के थोड़ा जींस उन्स पहन लेते हैं, उसके बाद ट्राई करते तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है चलो, तो मैंने पहन लिया है जींस, तो अब जींस पहन लिया है, अब फटाफट जाते हैं ये टॉप ट्राई करने के लिए। इतने सारे पार्सल्स आए हुए हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं, पहले जो सिंगल टॉप है वो ट्राई करते हैं। तो ये है पहला टॉप, तो चलो ट्राई करते हैं इसको। तो ये है पहला टॉप। मम्मी इसका रंग कैसा लग रहा है? ये थोड़ा मिक्स कपड़ा है, इसका हाथ ऐसे फैला वाला हाथ है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इस हाथ को क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ बोलते होंगे। तो ऐसा हाथ है इसका, बहुत ही कंफर्टेबल है, हल्का लूज है बट अच्छा लग रहा है, पहनने में अच्छा लग रहा है। ये टॉप रख सकते हैं हम, तो चलो अब ट्राई करते हैं दूसरा। एक पैकेट के अंदर तीन टॉप निकले हैं, तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं इन तीनों टॉप को। ये सच में ड्रेस ट्राई करना सबसे बोरिंग काम लगता है, लेकिन ये है मेरा सेकंड टॉप। ये मेरे हस्बैंड जी को ये टॉप बहुत अच्छा लगा है, सिंपल सोबर सुंदर भी है, कंफर्टेबल है, बट क्या है कि जब मैं नया नया कपड़ा पहनती हूँ तो मेरे को काटने लगता है, बस वो हो रहा है, बट ये अच्छा लग रहा है। इसके पहले जो टॉप था मैंने बंदू पे जस्ट सो करके उठी, तो मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो बोली ठीक है मम्मा, और जब ये टॉप पहने तो बोलती मम्मा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग बताना क्या अच्छा लग रहा है। अब आते हैं अपना वो दोनों टॉप पहन करके। तो ये है मेरा तीसरा टॉप, बुग्गा वाला हाथ। मम्मी पहले नहीं चलता था ना बहुत ज्यादा, इसको देख करके ना मम्मी को पुरानी पुरानी हीरोइन याद आ गई, उन लोग ऐसा बहुत बुग्गा टॉप पहनती थी। आजकल ना हम टॉप तो नहीं देखे, लेकिन आजकल ऐसा ब्लाउज बहुत चला हुआ है, लोग इतना लंबा 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 ब्लाउज सिला के पहनते हैं, और भी ऐसे बुग्गा बुग्गा वाला ब्लाउज, मतलब कैसे लोग पहनते होंगे इतना। वही लग रहा, अभी भी मेरे को लग रहा हम कैसे पहनेंगे इसको, इसको रख लेते हैं। तो अभी कोई भी टॉप का कंफर्मेशन नहीं है कि वो टॉप हम रखेंगे ही रखेंगे, जो मेरे को ठीक लगेगा तो हम कुल मिला करके दो टॉप रखने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना मेरे पास टॉप की बहुत कमियां हो गई थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जी ने दया करके मेरे पे टॉप ऑर्डर कर दिया है। वैसे इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट मुलायम कपड़ा है इसका, और बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें पेट नहीं दिख रहा है, पेट नहीं दिख रहा है कोई भी बड़ा, मतलब हम मोटे हट्टे कट्टे नहीं दिख रहे, नॉर्मल दिख रहे हैं हम। ये अच्छा लगा आपको? मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब मम्मी को ये टॉप मेरा बहुत अच्छा लगा, और जब मम्मी मेरे लिए ऐसा बोलते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्या जब मेरी मम्मी मेरे कोई ड्रेस में कॉम्प्लीमेंट करती है। ओ मेरी बच्चू भी बोल दी बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, कंफर्टेबल कपड़ा है। तुम नहीं आ पाएगा कैमरा में, तुम छोटा बेबी है। फाइनली मेरा दो बचा हुआ है ट्राई करने को, फिर खत्म। इसके बाद हम मिलेंगे कल आपसे, क्योंकि कल बनेगा अचार, आज नहीं बन सकता अचार, थोड़ा सा आम को हल्दी और नमक में, वो तो आपको बाद में मालूम चल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है बताओ, ये अचार देखने का फायदा क्या है, इससे हम और आप दोनों साथ में सीख लेते हैं। चलो अब ये दोनों ट्राई करके आ। तो ये सेकंड लास्ट टॉप है, ये कैसे, ये इस कलर को क्या बोलते हैं मम्मी? धानी बोलते हैं, कितना अजीब दिख रहा है, ये बहुत अजीब दिख रहा है। लास्ट वाला ट्राई करके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है चलो। कैसे हम ये टॉप पहन के बाहर निकले, मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप एकदम भूत जैसे दिख रहे हो, सेम टू सेम, मतलब सोचो मेरी बिटिया ऐसा बोल रही है। तो ये है एक लॉन्ग टॉप, जो कि कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है, इसको एज अ टॉप भी नहीं पहन सकते, एज अ फ्रॉक भी नहीं पहन सकते हैं। तो चलो भाइयों और बहनों आज के दिन के लिए इतना ही, अब मिलूंगी मैं आपसे कल के दिन में, जब हम लोग मनाएंगे अचार। अभी फिलहाल जा रहे हैं सारे टॉप को फोल्ड करके अच्छे से रखना भी, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अब कल आपसे, ठीक है जाते हैं फोल्ड करने के लिए, बहुत टाइम लगता है फोल्ड करने में। बाय। कितना आम में कितना हल्दी और कितना नमक डाला? हल्दी तो अंदाज से नमक 125 ग्राम, नमक 125 ग्राम, ओके 2 किलो में 125 ग्राम, 150 ग्राम, ओके 2 किलो में 200 ग्राम।
तो हो गई है अब सुबह रात भर ये आम को ऐसे ही छोड़ दिया गया था और सुबह सुबह मम्मी बनाने लग गई है अचार। एकदम सुबह सुबह मम्मी बना रही थी इसलिए मैंने मम्मी के अचार का ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इस समय मंचू के स्कूल का टाइम भी होता था। तो मम्मी ने क्या किया है कि सारे खड़े मसाले ले लिए, सौंफ हो गया, जीरा पाउडर हो गया है, मेथी हो गया है, अजवाइन हो गया है, सब कुछ ले लिया था मम्मी ने। आम को मम्मी ने चीनी के पाक में ही पकाया था, 1.5 किलो आम था तो मम्मी ने 1 किलो चीनी में पका लिया था आम को अच्छे से और सारे मसाले ऐड कर दिए। अब हो रहा है दोपहर का टाइम, अब मैं जा रही हूँ आम का अचार बनाने के लिए। तो सारे खड़े मसालों को मैंने डाल दिया है तवे में भूजने के लिए। अगर आपको मसाले के बारे में जानना हो तो बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ ले लिया है मैंने, थोड़ा अलग से ये मसाला यूज करना है इसमें खड़ा मसाला। तो इसमें मैं डाल रही हूँ घी के चौक में सरसों, जीरा, अजवाइन और थोड़ी सौंफ यूज कर ली मैंने, तेजपत्ता यूज करके घी में चौक लगा दिया। और यहाँ पे मेरे ड्राई रोस्ट होते थे बगल में मसाले और उस चौक मैंने डाल दिया है सारे आम। थोड़े से आम थे, ज्यादा आम नहीं थे, 250 ग्राम के करीब कुछ आम थे मेरे। तो उसको मैंने डाल दिया है चौक के ऊपर और से ज़्यादा नहीं, 3-4 बार चला लेंगे। और 3-4 बार चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे गुड़। 250 ग्राम मैंने आम लिया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम गुड़। इसको गुड़ को मैंने अच्छे से काट काट के डाला है इसमें, मतलब पहले से मैंने काट के रख लिया था और डाल दिया है। अब इसे गुड़ के साथ आम को पकाना है, मतलब ये बहुत टाइम लेगा पकने में, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। जब तक मेरा आम पक रहा था तब तक मैंने जो मसाला भूंज के रखा था उसको भी ग्लास मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब मैं उसमें मिलाने जा रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक मिला लूँगी मैं इसमें, थोड़ा हल्दी मिला लूँगी मैं इसमें और हल्का सा वाइट नमक भी मिला लूँगी इसमें, हल्का सा टेस्ट, ज़्यादा नहीं मिलाना है आपको। और अगर मैं क्वांटिटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सब कुछ आपको एक्यूरेट क्वांटिटी में मिल जाएगा, कितना कितना क्या क्या यूज़ किया गया है। बस ये मसालों को अच्छे से एक साथ मिला करके और उस आम में आपको इसको ऐड कर देना। मसाला ऐड करने के बाद विद इन अ मिनट ये अचार बनके तैयार हो जाएगा और आप बिलीव नहीं करेंगे इतने कम टाइम में इतना जबरदस्त अचार बनके तैयार होता है। और मुझसे क्या हुआ, अचार बनने के बाद ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं भूल गई। तो एट लास्ट याद आया तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मम्मी के अचार जो है वो आधा से अधिक खत्म हो चुकी है, मतलब मम्मी का जो अचार था वो हमने सबको बांट दिया और मेरा अचार मैंने बहुत बार खा लिया है, ये वही डब्बा है। मतलब मेरा तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल फेवरेट है, आप भी ट्राई करना और ट्राई करके बताना आपको कैसा लगा। आप ना इस गुड़ वाले आम के अचार को रोटी के साथ खा लो, चावल दाल के साथ खा लो, हर चीज के साथ, इतना गजब ढाएगा ना। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना प्यार देना।